जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग रूप में। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र और शुक्र के संधि के मध्य उपस्थित त्रिभुज के चिन्ह के बारे में, जो कि हमारे लिए अत्यंत भाग्यशाली होता है और जिसके होने से हमारी आर्थिक प्रगति दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है। यानी कि ऐसा होने से व्यक्ति को अत्यधिक धन लाभ होता है और व्यक्ति अमीर बनता है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हथेली का ये वाला क्षेत्र चंद्र पर्वत का क्षेत्र है, इसके सामने वाला जो ये क्षेत्र है शुक्र पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है। इसका मध्य जो ये संधि क्षेत्र है, इससे कई सारी रेखाएं गुजरती है, जैसे कि आपकी फिट लाइन जाती है, आपकी लाइफ लाइन यहाँ से आती है बगल से, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य मरकरी लाइन है, सन लाइन है, ये सब भी यहीं से निकलती है, ठीक है। लेकिन इसी के मध्य कभी कभी आप देखोगे कि इन चिन्हों के साथ में या बीच में एक त्रिभुज जैसी स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। जब भी कभी ऐसा होना तो समझना व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास हमेशा पैसों की भरपूर बेहतर स्थिति बनी रहेगी। वो कभी गरीबी में नहीं जिएगा, बहुत अमीर होगा और उसके पास अत्यंत हमेशा पैसे बेहतर गति से आते रहेंगे और उसका काम बनता रहेगा। उसे जीवन में कभी भी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अमीर से अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर वाली स्थिति इनकी होती है। इसके अलावा पैतृक संपदा वगैरह की भी स्थिति इनके लिए बेहतर होती है। साथ में कुछ और अन्य ग्रह क्षेत्र बेहतर स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को फिर करना ही क्या है, हर एक तरफ से इनके लिए खुशनुमा माहौल बना रहता है। लेकिन इसी में कुछ अन्य भी लाइन्स हैं जो कि अगर यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियों को खड़ा करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन रही है, ठीक है, लेकिन इसे काटते हुए कोई क्रॉस की स्थिति यहाँ पे आ जाए। इसे फ्रेश करके दिखाता हूँ। इस क्षेत्र में मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज की स्थिति आ गई, ठीक है, अब कोई रेखा आके इसे क्रॉस कर रही हो तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव अत्यंत कम हो जाएगा, ठीक है, निम्न हो जाएगा इसका प्रभाव। ऐसी स्थिति में आप कोई होते हुए भी उस तरीके से बेहतर स्थिति तक लेके नहीं जा पाता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि ये टेम्पररी होती है, अस्थाई होती है। जैसे इनका प्रभाव खत्म होता है फिर से अपने वेग में आ जाती है और आपको उतना ही सुखमय जीवन और उतने ही धन की प्राप्ति करवाती है। तो ये था त्रिभुज के विषय में। अगले एपिसोड में जानेंगे कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राधे।